अब किसने किसको नॉमिनेट किया है और क्या आ रही है खबर, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पे बताऊंगी। तो यहाँ खानजादी ने रिंकू और ऐश्वर्या को नॉमिनेट किया है, औरा ने रिंकू और खानजादी को, नील ने खानजादी और विक्की को, सबको दो दो नॉमिनेशन करने थे शायद। ऐश्वर्या ने विक्की और रिंकू को, विक्की और खानजादी को, अनुराग ने अभिषेक और रिंकू को, जबकि अनुराग और अभिषेक तो आज दोस्ती दिखा रहे थे। रिंकू ने खानजादी और अंकिता को, अंकिता ने अभिषेक और मनारा को, ईशा ने अभिषेक और अनुराग को, समर्थ ने अभिषेक और विक्की को, मनारा ने अनुराग और अभिषेक को, विक्की ने ऐश्वर्या और अभिषेक को। तो अभिषेक सबके टारगेट पे था, अरुण ने विक्की और अभिषेक को, और विक्की भी, अभिषेक ने समर्थ और विक्की को। तो इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा इनका काउंट निकला उसमें नील जो पूरे सीजन के लिए थे ही, अभिषेक, खानजादी और विक्की, तो ये चार कंटेस्टेंट जो हैं अब नॉमिनेट हो चुके हैं। देखना होगा, हालांकि घर के अंदर जो है आज अभिषेक और विक्की की बहुत बड़ी लड़ाई हुई है और विक्की ने अभिषेक को क्रिमिनल कहा है और ये भी कहा है तू तो एक क्रिमिनल है, तेरी पोल पट्टी खुली क्या सबके सामने। और ये सब शुरू हुआ जब विक्की और अभिषेक जो है हाउस ड्यूटीज को लेकर, जैसा कि मैंने आपको दिन में ही बताया था कि इनकी फाइट हुई है, तो अब इन सबकी जो है इस बात को लेकर फाइट हुई है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि जो इस तरीके से लगातार ये लोग झगड़े कर रहे हैं, जिस तरीके से आमने सामने आ रहे हैं, और अब ये हफ्ता मुश्किल है नील और विक्की दोनों के लिए। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि अभिषेक और खानजादी सेफ हैं, बहुत ही क्रूशियल नॉमिनेशंस हैं ये तीनों ही। मतलब अगर नील को बचा सकते हैं ऐश्वर्या फैंस, तो विक्की को बचाने के लिए अंकिता फैंस भी आगे आएंगे। तो खानजादी और अभिषेक के लिए मुश्किल है थोड़ा, कि संभल के रहना पड़ेगा। देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन किसने किसको नॉमिनेट किया इससे पता चल ही गया है कि कौन किसकी आंखों में फिलहाल चुभ रहा है।